सुना इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा की लाश कुएं में मिली थी। तो दोस्तों, पेन इंडिया फिल्म विक्रांत रोना का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो ट्रेलर देखने में एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म का ट्रेलर है। मतलब कि ट्रेलर की जो कहानी है वो बेसिक सी है कि भैया एक गांव है जहां पर लोग परेशान हैं, कुछ नए नए घटनाएं घट रही है, उसके बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है और फिर सब कुछ सही हो जाता है और एंड में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मतलब कि कहानी काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी नहीं लगी आपको? इस तरह की कहानियों पर हम ढेर सारी फिल्में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ट्रेलर में क्या चीजें अच्छी थी और क्या बुरी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेलर में अच्छी चीजें क्या थी। तो ट्रेलर की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो था विजुअल। जी हाँ दोस्तों, यहां पर विजुअली ये ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा ग्रैंड लग रहा है। जैसे कि वो शिप वाला सीन है, वो पुल वाला सीन है, और जो जंगल के सीन्स दिखाए हैं, गांव वाले सीन्स दिखाए हैं, वो काफी कमाल के हैं। मतलब कि फिल्म की वीडियोग्राफी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है काफी ज्यादा पावरफुल है और बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से ही ये ट्रेलर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अब अगर बात करें कि ट्रेलर में नेगेटिव चीजें क्या थी, तो ट्रेलर की सबसे बड़ी और सबसे पहली नेगेटिव चीज है किच्चा सुदीप। जी हाँ दोस्तों, किच्चा सुदीप का लुक तो ट्रेलर में काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन जो उनकी हिंदी है वो काफी ज्यादा पंचर है। मतलब कि यहां पर किच्चा सुदीप ने खुद की डबिंग हिंदी में की है, और किच्चा सुदीप की हिंदी कितनी थर्ड क्लास है वो ट्रेलर में पता चलता है। मतलब कि जब वो हिंदी के डायलॉग्स बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पेन पे लिखा हुआ कुछ पढ़ रहे हैं। मतलब कि डायलॉग के अंदर जो फील होना चाहिए वो है ही नहीं। तो यहां पर किच्चा सुदीप ने खुद की डबिंग करके गलती कर दी। खुद की डबिंग करने से बेहतर वो किसी डबिंग आर्टिस्ट से खुद की हिंदी डबिंग करवाते तो बेहतर रहता। इसके अलावा यहां पर जैकलिन का जो रोल है वो क्या पता क्या होने वाला है। शायद कोई बार गर्ल होगी जो कि दारू बेचती है, और जैकलिन का रोल और जैकलिन की एक्टिंग भी ट्रेलर में ठीक ठाक है। वो हमेशा जैसी करती है वैसे ही नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर में जो तीसरी सबसे खराब चीज मुझे लगी वो था स्लो मोशन। मतलब कि हर एक सीन जहां पर एक्शन हो रहा है वहां पर स्लो मोशन डाल दिया, जिस जगह हीरो की एंट्री हो रही है वहां पर स्लो मोशन डाल दिया। अब स्लो मोशन का ऐसा है कि एक आध दो सीन में अगर आप दिखा देते हो ना तो पब्लिक को अच्छा लगता है, लेकिन हर एक सीन पर स्लो मोशन, हर एक एक्शन सीक्वेंस पर स्लो मोशन कहीं ना कहीं इरिटेट करने लग जाता है। तो विक्रांत रोना के ट्रेलर में जो स्लो मोशन बार बार दिखाया है वो थोड़ा सा पकौ लग रहा है। तो दोस्तों, घुमा फिरा कर यही कहूंगा कि विक्रांत रोना का ट्रेलर देखने में विजुअली तो ग्रैंड है, लेकिन कहानी, एक्टिंग और डबिंग काफी ज्यादा लुल नजर आ रही है। अब ये फिल्म साउथ लैंग्वेजेस में एक अच्छी खासी कमाई कर सकती है, खास करके कर्नाटका यानी कन्नाड़ा लैंग्वेज में, लेकिन ये फिल्म शायद हिंदी मार्केट में उतनी नहीं चल पाएगी। इसके पीछे की दो वजह है। पहली वजह तो फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है, जिसकी वजह से यह फिल्म शायद ही हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और दूसरी वजह, फिल्म में जो हीरो है उनकी फेस वैल्यू नॉर्थ इंडिया में कुछ भी नहीं है। मतलब कि किच्चा सुदीप को नॉर्थ इंडिया में लोग जानते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, प्रभास जैसे इनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। तो यह फिल्म हिंदी मार्केट में अगर बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिल गए तो चल जाएगी, लेकिन अगर फिल्म को एवरेज रिव्यूज मिले तो हिंदी मार्केट में फिल्म के पहले दिन से ही जो शोज है वो कैंसिल होने लग जाएंगे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि विक्रांत रोना फिल्म अगर थोड़ी भी एवरेज निकली तो हिंदी मार्केट में बुरी तरह से फ्लॉप हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, विक्रांत रोना फिल्म हिंदी मार्केट में चल पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, प्रणिपात।